हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आप भी अपना ई श्रमिक कार्ड बनाने वक्त आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती होगी, करंटली एक्सपीरियंसिंग हैवी ट्रैफिक, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। ये ऐसी प्रॉब्लम आपको भी आई होगी। मैंने बहुत सारे वीडियो के कमेंट में देखा कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि हमें ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखा ध्यान से। जैसे कि अब मैं यहाँ पर ई श्रम पोर्टल ओपन करता हूँ, तो ये मैंने ई श्रम पोर्टल ओपन किया है, इसको लिव कर देता हूँ, ishram.com ये पोर्टल ओपन किया। उसके बाद में आपको सिंपली किस पर क्लिक करना पड़ता है, रजिस्टर वन ई श्रम, इस पर आपको क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो आपका सामने इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस आता है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, तो आपको आधार लिंक जो मोबाइल नंबर होता है वो यहाँ पर डालना पड़ता है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा, वीडियो पूरा देखें आप। E6U7 1P ये आप डाल देते हो, उसके बाद में आप सेंड OTP पर क्लिक करते हो, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है, करंटली एक्सप्रेसिंग हैवी ट्रैफिक, प्लीज़ ट्राई आफ्टर। तो आपको सिंपली इसमें नॉर्मल सा सॉल्यूशन है, लेकिन आपको मालूम नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाते। तो आपको क्रोम ब्राउज़र को क्लोज करके आपको सिर्फ क्या ओपन करना पड़ेगा, गूगल से आपको ओपन करना है, आपको गूगल से ओपन करना है। गूगल से ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर सर्च करोगे ई श्रम कार्ड, आप सिंपली ये क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा ishram.government.in। उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको रजिस्टर वन ई श्रम कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इनसे ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आपको नंबर डालना है, उसके बाद में कैप्सा डालना है, TY@JTM कैप्सा डालने के बाद में सेंड OTP पर क्लिक करना है। वापस यही प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको गो टू होम पेज पर क्लिक करना है, वापस यही करना है। ये करने के बाद में आपको GHQ7U4 फिर आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। अब देखना OTP है जो हमारे मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। आपको सिंपली गूगल ब्राउज़र पर ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र पर ना करके। आप देख सकते हो OTP मेरे मोबाइल नंबर पर आ गई है, 236। आपको सिंपली यही प्रोसेस करना है। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आधार नंबर मांग रहा है, तो देखिए दोस्तों हमारा हो गया है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, आपको सिंपली सा गो टू होम पेज पर क्लिक करना है, आपका हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।